स्टोंडी के नहर की पटड़ी के ठीक सामने खेतों की झाड़ियों में से एक शव मिलता है जिसके हाथ पे रस्सी बंधी हुई है और चेहरे पे चोट के निशान है और पूरे गांव में अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, शव वाहन मौके पर पहुंची हुई है। आखिर किसका ये शव है और क्या कुछ पूरा मामला रहता है कि हाथ पे इस तरीके से रस्सी बंधी हुई है, खून आ रहा है, चेहरे पे जो है चोट के निशान है, क्या कुछ पूरा मामला रहता है। हो सकता है एक बहुत बड़ा मामला इस शव के ऐसे मिलने के पीछे हो सकता है। करनाल के स्टोंडी गांव की नहर की पटड़ी के पास जो है झाड़ियों में एक शव मिलता है, एक शव बरामद होता है जिसके बाद आप देखेंगे पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया कि कितने दिन से ये शव जो है यहां पे है, लेकिन अभी जो है वहां तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पता नहीं किस तरीके से शव को यहाँ पे जो है फेंका गया होगा कि इस तरीके से झाड़ियों के ठीक बीच में शव है और देखना भी उसको मुश्किल जरूर है। हालांकि देखने पर उसने जो है सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है स्ट्राइप्स वाली और ब्राउन रंग की पैंट पहनी हुई है, एक हाथ पे कुछ धागा जैसा भी बंधा हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप लोग करनाल के स्टोंडी गांव से देख सकते हैं जहां पे नहर की पटड़ी के ठीक पास में जो है खेतों के बीच में से आप देखेंगे यहां झाड़ियों के बीच में एक शव मिलता है। थोड़ी देर पहले सूचना पुलिस को मिलती है, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, शव वाहन भी जल्द ही मौके पर पहुंचेगा। आप देख सकते हैं आसपास के जो निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहां पर मौके पर जरूर पहुंच जाते हैं। हालांकि शव तक पहुंचना ही अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है और देखने पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40-45 साल के व्यक्ति का वो शव लग रहा है। हालांकि उसके एक हाथ में रस्सी भी बंधी हुई है, तो हो सकता है कि किसी ने जो है उसको बांधा हो, रस्सी से बांध के उसको मार के काट के इस तरीके से यहाँ पे फेंक दिया हो, लेकिन अभी तक शव तक पहुंचना मुश्किल है। बीच झाड़ियों में शव को किसी ने फेंक दिया। आप देखेंगे आसपास पूरे दूर तक जो है खेत ही खेत है, एक तरफ नहर की पटड़ी पड़ती है, तो यहाँ पे आसपास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं है, तो यहाँ पे न जाने कब इस तरीके से एक शव को यहाँ फेंक दिया जाता है। हालांकि कुछ भी अभी ज्यादा सूचना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे शव वाहन मौके पर जरूर पहुंच चुका है, तो शव को सबसे पहले जो है बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, तभी कुछ भी स्पष्ट तौर पे सामने आ पाएगा कि क्या कुछ कारण रहते हैं या व्यक्ति की पहचान भी उसके बाद ही हो पाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं पुलिस काफी देर से मौके पर साइट पे जरूर पहुंची है, लेकिन शव तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि खेतों के झाड़ियों के ठीक बीच में जो शव है उसको किसी ने फेंका हुआ है और एक हाथ में रस्सी भी बंधी हुई है, सफेद रंग की जो है शर्ट पहनी हुई है स्ट्राइप्स वाली और ब्राउन रंग की बताया जा रहा है कि पैंट पहनी हुई है। हालांकि आप देखेंगे पुलिस जो है वो छानबीन करने का प्रयास कर रही है, फोटोज वगैरह लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पहचान के तौर पर उसको इस्तेमाल जरूर किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे, शव वाहन मौके पर पहुंच जाता है, नहर की पटड़ी के ठीक पास में इस तरीके से जो है एक शव मिलता है। हालांकि उस तक पहुंचा जाएगा और तभी कुछ भी सामने आ पाएगा, स्पष्ट तौर पर जानकारी जरूर मिल पाएगी कि क्या कुछ शव रहता है, क्या कुछ उसकी पहचान रहती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ पता चला था आप लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे? हम तो बेटा घास लेने आए थे यहाँ, तो आपने पता चले भाई यहाँ बॉडी पड़ी, हमने तो कोई पता नहीं बेटा, हमने कोई पता नहीं कहाँ कितना मारा, कहाँ का गांव कौन था, चेहरा भी नहीं पहचान मान रहा इसका तो। और है भी बिल्कुल झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के अंदर पड़ा है, किसी ने मार के फेंक रखे तो रस्सी भी बंधी हुई है, रस्सी बंध रही है, हाथ में खून आ रहा है इसके। बिल्कुल आप लोग सुन सकते हैं कि स्थानीय लोग पहुंचते हैं और एक सनसनी भरा ये मामला जरूर है कि आखिर क्यों यहाँ पे झाड़ियों के बीच में अचानक से एक व्यक्ति का शव जरूर दिख जाता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, स्थानीय लोग यहाँ पे हो जाते हैं, हैरानी की खबर है, हाथ में जो है रस्सी भी बंधी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला इसके पीछे रहता होगा वो जानना होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे आईओ सुरेश कुमार मौके पर है, उनसे एक बार जान लेंगे क्या कुछ पूरा इवेंट आया था। सर क्या कुछ पूरा मामला? मैसेज आया जी, ये घास काटने वाला घास काट रहा था, अच्छा उसने सरपंच बुलास टोंडी वाला देखी है, सरपंच बुला, सरपंच नहीं आ पाया, मिला मेरे पास मैसेज आ जी, मैं गाड़ी लेकर आ जी, यहाँ डेड बॉडी पड़ी मिली जी। तो कुछ पहचान नहीं, गांव वाले काफी आए जी, समझ देखा जी, उन्होंने कोई पहचान नहीं पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि हाथ में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी है जी, तो हो सकता है, क्या पता जी, पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगा। हालांकि कुछ जानकारी दे सकते हैं किस तरीके के कपड़े पहने हुए, क्या कुछ जो भी स्पष्ट लग रहा हो? कपड़े जी काली पैंट पहन रहा है, सफेद कमीज की धारी वाली कमीज पहन रहा है। हालांकि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके का मुआयना करती हुई जरूर यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि खेतों में घास काटने वाला आता है और उसके बाद वो जो है सूचना स्टोंडी के जो सरपंच है उनको देता है, वो यहाँ पे पहुंचते हैं, शव को देखा जाता है, स्थानीय जितने भी गांव के आसपास के लोग हैं वो सब आते हैं, लेकिन शव की कोई भी पहचान जो है वो नहीं हो पाती। उसके बाद आप देखेंगे पुलिस यहाँ पे पहुंचे हैं, आईओ यहाँ पे पहुंचे हैं, मौके का मुआयना यहाँ पे किया जा रहा है, शव की तस्वीरें यहाँ पे ली जा रही है और उसी के बाद आप देखेंगे शव वाहन भी मौके पर पहुंच जाता है। एक बार
आप लोग देख सकते हैं कि शव वाहन मौके पर पहुंच जाता है और शव तक पहुंचकर जो है शव को अभी फिलहाल शव वाहन के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम होगा ताकि स्पष्ट तौर पर जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाई जा सके कि आखिर क्यों जो है इस तरीके से इतने अनजान इतने सुनसान इलाके में नहर की पटरी के पास जो इस तरीके से झाड़ियों में किसी का शव मिलता है। हालांकि बताया जा रहा है 40-45 साल जो है उसकी उम्र का अनुमान पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। उसने भूरे रंग की जो है पैंट पहनी हुई है, ब्राउन रंग की पैंट पहनी हुई है, साथ में व्हाइट कलर की सफ़ेद रंग की उसने जो शर्ट पहनी हुई है स्ट्राइप्स वाली, और एक हाथ में उसकी रस्सी भी बंधी हुई है। तो कुछ भी पूरा मामला हो सकता है, कुछ भी कहना अभी फिलहाल कुछ भी सही नहीं होगा। हालांकि पुलिस जाँच का ये विषय कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे शव वाहन मौके पर पहुँचा है, पुलिस जो है वो मौके से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करी, और साथ ही साथ अभी जो फिलहाल शव मिलता है एक अज्ञात व्यक्ति है वो, और उसका जो शव मिलता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा ताकि पता चल सके क्या कुछ वजह रहती है इस तरीके से अचानक से किसी व्यक्ति का शव जो है अचानक से क्यों यहाँ स्टोंडी की खेतों की झाड़ियों के बीच में से मिलता है। जो भी पूरा मामला होगा वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल की बड़ी खबर आप लोग देख रहे हैं करनाल के स्टोंडी गाँव से, जहाँ पे नहर की पटरी के ठीक सामने जो है खेतों के झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलता है, जिसके बाद जो माली यहाँ पे जो है घास काटने आया था वो जो है आगे सूचना देता है गाँव के सरपंच को। उसके बाद गाँव के बताया जा रहा है स्टोंडी के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे पहचान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उस युवक की जो है अभी तक उस शव की जो है कोई भी पहचान नहीं हो पाती। और उसके बाद आप देखेंगे पुलिस मौके पर पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन शव को इस तरीके से वो बीच में इस वक्त गिरा हुआ है कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव वाहन अब मौके पर पहुंच चुका है, स्थानीय लोग आसपास के यहाँ पे शव को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, और अभी कुछ भी बहुत ज्यादा अलग पहचान के रूप में सामने नहीं आ पाया है। एक बार शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ पूरे कारण रहते हैं, क्या कुछ पूरा मामला जो है इस शव के पीछे इस हालत के पीछे जो है छुपा हुआ है। भव्य नारंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।